चल उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। ये देखिए हम कहाँ पे हैं जी गाइस, तो मैं फुल खाती हूँ। ये देखिए ये वाला रूम है, ठीक है, और अंदर जो है ना पढ़िए आप। असल में ना हुआ ये है कि उनके ना जो गॉल ब्लैडर है ना, मतलब पित्त जो होता है उसमें स्टोन्स थे, तो आज खुदा का शुक्र है कि उनका ब्रेड हुआ है, ठीक है, और अब वो ठीक है। तो अंदर से मैं आपको सारा दिखाती हूँ। और यहाँ पे जो नर्स है वो ना बुक्को की थेरेपी करने आई है, तो जैसे आपको आवाज भी आ रही होगी, देख भी रहे होंगे आप, और ना अभी देखें कि बुक्को अच्छा फील कर रही है इसलिए बैठी हुई है और आराम से करवा रही हैं। मम्मा कहती बना दो ये कहाँ जा रहे हैं हम जेबी। अब बंद था वहां पे जाना है हमने। हाँ जी देखें गाइस हम कहाँ पे आए हैं। हाँ तो अभी जहाँ हम गलत रास्ते पे चले गए थे ना वहां से पता चल गया होगा। पूछ लो गाइस, मैं आपको अभी बताती हूँ कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, अंदर से भी आपको दिखाती हूँ और वैसे बाहर से भी आपको दिखाती हूँ। मैं और जेबी जो है वो अभी ये चीज़ें लेने गए थे चाय के लिए, ठीक है, साथ में हमने शॉर में अपने लिए ले लिया, भूख लग रही थी तो इसलिए। ये देखें गाइस इसके स्लोगन थे विजन एंड मिशन, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को कैप्चर करके दिखाती हूँ। ये देखें अगर मैं आप लोगों को पर्सनली बताऊँ ना तो बहुत ही अच्छा ये हॉस्पिटल है, इसकी नर्सेज बहुत अच्छी हैं, डॉक्टर्स अच्छे हैं, बहुत ही कुछ अच्छा है, ठीक है। तो खुदा ना ही करे कि किसी को हॉस्पिटल आना पड़े, लेकिन अगर किसी को भी खुदा ना खास्ता ज़रूरत पड़े तो वो यहाँ प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की नर्सेज बहुत कोऑपरेटिव हैं, यहाँ की मैनेजमेंट सारी बहुत कोऑपरेटिव है, ठीक है, और बहुत केयर करते हैं। तो आप लोगों को मैंने इसका विजन और मिशन भी दिखाया है, सारा रूम भी आपको दिखाया है, डेकोरेशन भी दिखाई है और दिमामा भी दिखाई है। तो जो है मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं जो हूँ क्लियरली उनको मेंशन करूँ, ठीक है। तो आज उनका ऑपरेट हो गया, खुदा का शुक्र है कि वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बस जो है ना करवट लेने से जो है ना उनको थोड़ी पेन होती है, वो तो अभी अब उनका ऑपरेट हुआ है तो कुछ तो असर होगा ना, तो खुदा करे कि आगे जो है वो जल्दी रिकवर हो जाए। और आप लोग भी जो है वो बेटर गेट वेल सून भी कहिएगा ताकि वो और एनर्जेटिक फील करें और जल्दी ठीक हो जाए। और जो है वो कल उनको डिस्चार्ज हो जाना है, कल उन्होंने जो है, क्योंकि खुदा का शुक्र है वो पहले से बहुत बेहतर हैं, ठीक है, उस तरह की उनकी खुदा का शुक्र है कि हालत नहीं है जिस तरह की ऑपरेट के बाद हो जाती है। लेकिन जो है ना थोड़ा सा उनको अब चिकना वगैरह नहीं, मतलब चिकना तो बिल्कुल खाना नहीं पड़ेगा, हल्का सा बस खाना पड़ेगा और चीज़ वगैरह छोड़नी पड़ेगी, सारी चीज़ें छोड़ देनी पड़ेंगी बस जो है, मतलब खिचड़ी दलिया ऐसी चीज़ें अब उनको खानी पड़ेंगी। तो किसको क्यों आई हैं आप यहाँ? मैं आई हूँ, अपनी मेरी बहन है छोटी, उसकी तबीयत ठीक नहीं, तबीयत तो ठीक है, खुदा का शुक्र है उसका ऑपरेशन, तो अब वो बेहतर है,
तो फातिमा मेमोरियल आए थे खबर लेने के लिए, खुदा का शुक्र है नाउ शी इज फाइन। और आप सब भी जो जो सुने दुआओं में याद रखिए जी गाइस। तो इसी के साथ अगले व्लॉग में मिलेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर नहीं किया वो भी कर दें, और गेट वेल सून भी कहिएगा ताकि वो एनर्जेटिक रहें। और पूरे व्लॉग को देखने के लिए थैंक यू। खुदा हाफिज़।